दोस्तों, क्या आपको पता है भारत में बिकने वाली ज़्यादातर सॉफ्टी आइसक्रीम मशीन मेड इन चाइना होती है। ज़्यादातर से मेरा मतलब है 90% से ज़्यादा सॉफ्टी आइसक्रीम मशीन मेड इन चाइना होती है। कुछ लोग मेड इन चाइना आइसक्रीम मशीन को मेड इन ताइवान आइसक्रीम मशीन कह के भी बेच देते हैं। हालांकि हिंद शेफ में हम सॉफ्टी आइसक्रीम मशीन खुद बनाते हैं, इसका एक एक पार्ट भी हम खुद ही मैन्युफैक्चर करते हैं। जैसे कि ये मशीन का बीटर या ये मशीन का नट जो माउथ पे लगता है या ये हैंडल जिससे हम सॉफ्टी आइसक्रीम को बाहर निकालते हैं, ये एक एक पार्ट हम इंडिया में खुद बनाते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये मशीन कैसे बनती है, इसका एक एक पार्ट कैसे बनता है। तो दोस्तों, इस आइसक्रीम मशीन को बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है, तो हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप इस वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखिएगा। तो दोस्तों, इस सॉफ्टी आइसक्रीम मशीन को बनाने की शुरुआत एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से होती है, जो सॉफ्टवेयर इसकी 3D डिज़ाइन बनाता है। आप देख सकते हैं, हमने ये 3D डिज़ाइन तैयार कर लिया है, जिसमें सॉफ्टी का जो बाहरी जो उसकी आउटर बॉडी होती है वो तैयार हो गई है। जैसे यहाँ पे इसके होपर लगेंगे जिसमें हम दूध डालेंगे, यहाँ पे आइसक्रीम बन के तैयार होगी। तो इस तरह से पूरी बॉडी हम एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की सहायता से डिज़ाइन कर लेते हैं। उसके बाद इस डिज़ाइन को हम अलग अलग टुकड़ों में तोड़ते हैं, ताकि हम जो मेरी स्टील की और लोहे की चादरें हैं उनको काट के ये वाले डिज़ाइन को हम बना सकें, मतलब एक प्रैक्टिकली इस डिज़ाइन को बना के फैब्रिकेट कर सकें। तो वो आगे आपको वो प्रोसेस दिखाते हैं कि वो प्रोसेस कैसे होता है। तो दोस्तों, जब डिज़ाइन कंप्लीट हो जाता है तो उसको छोटे छोटे एलिमेंट्स में तोड़ा जाता है। जैसे हम ढक्कन का डिज़ाइन अलग से निकाल लेते हैं, कवर का डिज़ाइन अलग से निकाल लेते हैं। उसके बाद जो स्टील की या लोहे की चादर होती है, हम इस मशीन को पे लोड करते हैं। इस मशीन को बोलते हैं लेज़र कटिंग मशीन। तो ये लेज़र लाइट की सहायता से स्टील की या लोहे की चादर को काटती है। तो इस मशीन के साथ एक कंप्यूटर होता है, इस कंप्यूटर में उस डिज़ाइन को लोड किया जाता है। साथ में जो मेरी चादर होती है स्टील की या लोहे की, उसको इस मशीन पे रखा जाता है। उसके बाद वो डिज़ाइन इस मशीन की सहायता से काटा जाता है। तो हम आपको दिखाएंगे कि ये कैसे होता है। तो दोस्तों, इस मशीन के कंप्यूटर में हम वो चादर कैसे कटेगी वो डिज़ाइन डालते हैं। जैसे आप हमने दिखाए थे टॉप में जो होपर थे उसका ये कटआउट है, है ना। और इसी तरह से ये सॉफ्टी का ढक्कन है साइड का, ये दूसरे साइड का ढक्कन है, ये बैक का ढक्कन है। तो इसी तरह से ये मशीन इन पार्ट को इस ड्राइंग की सहायता से अलग अलग भागों में काट देती है। तो दोस्तों, कटाई के बाद उन पार्ट्स को मोड़ने की जरूरत पड़ती है और साथ में उसके बाद वेल्डिंग की जरूरत पड़ती है। तो हम इस विशालकाय मशीन की सहायता से पहले जो मेरे पार्ट्स काटे गए हैं, जैसे ये मेरे टॉप है जिसमें होपर होते हैं, इस पार्ट की मोड़ाई इस विशालकाय मशीन की सहायता से करते हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं कि ये मशीन कैसे काम कर रही है। दोस्तों, अब हम हिंद शेफ की फैक्ट्री में आ गए हैं। लेजर से कटिंग और बेंडिंग के बाद पार्ट्स इस फैक्ट्री में पहुंचते हैं। जैसे हम आपको दिखा रहे हैं, जैसे ये सॉफ्टी का साइड का कवर है जो कटिंग और बेंडिंग होने के बाद हमारे पास आया है। इसी तरह से साइड का ढक्कन है और ये सॉफ्टी मशीन के बैक का ढक्कन है। तो कटिंग और बेंडिंग के बाद सारे पार्ट्स यहाँ पे आते हैं। सारे पार्ट्स टोटल A to Z पार्ट्स, हैंडल, कवर या अंदर के सिलेंडर, बीटर, सब यहाँ पे इकट्ठे किए जाते हैं और फिर जो सॉफ्टी आइसक्रीम मशीन होती है यहीं पे बनाई जाती है। तो वो वाला प्रोसेस हम आपको अब दिखाते हैं कि कैसे होता है। तो दोस्तों, पहले जैसे हमने आपको आउटर बॉडी दिखाई थी, ये मशीन की इनर बॉडी है जो लेज़र कटिंग और बेंडिंग के बाद हमारे पास आई है। वर्कर होते हैं, इस बॉडी को नट और बोल्ट की सहायता से पहले असेंबल करते हैं। उसके बाद मशीन का एक एक कॉम्पोनेंट, जैसे कि मोटर और बाकी कॉम्पोनेंट इस बॉडी पर कसे जाते हैं। और अब हम आपको दिखाते हैं कि कुछ कंपोनेंट कैसे बनते हैं। तो जैसे कि ये सॉफ्टी का सिलेंडर है जिसके अंदर बीटर घूमता है, आइसक्रीम बनती है। तो आप देख सकते हैं इसके ऊपर एक बाहरी पाइप है और एक भीतरी पाइप है। तो हमारा जो वेल्डर होता है इन बाहरी और भीतरी पाइप को वेल्ड करता है, साथ में एक कॉपर पाइप वेल्ड करता है। उसके बाद हम इसको हाई प्रेशर नाइट्रोजन गैस भरते हैं, लगभग 500 PSI की नाइट्रोजन गैस हाई प्रेशर पर भरते हैं। उसके बाद हम चेक करते हैं कि इसमें कहीं लीकेज तो नहीं है। तो दोस्तों, इसको बनाने के लिए हम पहले इस टाइप का पाइप बनवाते हैं, जिसको जो अंदरूनी पाइप होता है उसके ऊपर चढ़ाते हैं। इस तरह से चढ़ाते हैं, फिर इसके चारों तरफ हम वेल्डिंग करते हैं और साथ में कॉपर पाइप को भी यहाँ पे वेल्ड करते हैं। तो इस तरह से सॉफ्टी का पूरा सिलेंडर तैयार होता है। जो बेस होता है वो यहाँ से एंटर करता है और जो हवा माल फुलाने के लिए यूज़ होती है वो यहाँ से एंटर करती है। जो मेरी सॉफ्टी होती है बनके वो यहाँ से बाहर निकलती है। तो ये जो सॉफ्टी मशीन का मेन कंपोनेंट है।
तो दोस्तों उसके बाद हम इस तरह के दो सिलेंडर लेते हैं, क्योंकि हमारी सॉफ्टी आइसक्रीम मशीन 2+1 है, इसमें दो सिलेंडर है, एक लेफ्ट का और एक राइट का, और उसके ऊपर हम जो मशीन का आउटर कवर होता है वो वेल्ड करते हैं। जब वेल्डिंग करते हैं तो वो कुछ इस तरह का दिखता है। जो ये मेरी सॉफ्टी का माउथ है जहाँ पे होपर लगेगा, वो वाला पार्ट अब बन के तैयार हो गया है। इस पार्ट को हम लेके अब इस वाली बॉडी में यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे ऐसे लगाएंगे और नट बोल्ट की सहायता से इसको कस देंगे। तो दोस्तों ये वो वाला भाग है जो लेजर से कट के आया था, टॉप वाला भाग। इसमें हम इस तरह के कंटेनर जिसमें मेरा माल भरा जाएगा उसको इस तरह से लगाते हैं और नट वेल्ड करके इसको यहाँ पे फिक्स कर देते हैं। तो इस तरह के दो कंटेनर लगते हैं, एक लेफ्ट होपर के लिए, एक राइट होपर के लिए। इसके बाद जब ये तैयार हो जाता है तो मशीन की बॉडी पे कुछ इस तरह से हम इसको लगा देते हैं। तो उसके बाद लगभग हमारी बॉडी इस तरह की दिखाई देती है। आपने देख लिया कि हमने इसमें कंप्रेसर भी लगा दिया है। जो ये नीचे ऊपर वाला कंप्रेसर है वो इन होपर्स को ठंडा रखता है, इस वाले भाग को ठंडा रखता है, और जो नीचे वाला मेरा मेन कंप्रेसर है वो मेरे सिलेंडर को ठंडा करता है। तो इस तरह से लगभग हमारी सारी बॉडी तैयार हो जाती है और हम रेफ्रिजरेशन करते हैं। उसके बाद रेफ्रिजरेशन में जो मेरी कॉपर की पाइप होती है, जैसे ये मेरी सिलेंडर की कॉपर की पाइप है और मेरी होपर की कॉपर की पाइप है, हम इस कंप्रेसर और कंडेंसर के साथ उनको जोड़ते हैं, और जो सिलेंडर की कॉपर की पाइप होती है हम इस कंप्रेसर के साथ उसको जोड़ते हैं। दोस्तों जो अलग अलग कंपोनेंट होते हैं हम उसको स्टॉक में रखते हैं ताकि हम फटाफट सॉफ्टी आइसक्रीम मशीन बना सकें। तो जैसे हमने बहुत सारे सिलेंडर अपने स्टॉक में रखे हुए हैं, इसी तरह से आप देख सकते हैं जो हमारे लेजर कटिंग से बहुत सारा माल कट के आया है। जैसे ये कंडेंसर के कवर हैं, ये भी हम स्टॉक में रखते हैं अच्छी खासी मात्रा में ताकि हम फटाफट सॉफ्टी आइसक्रीम मशीन तैयार कर सकें। आप बाकी कवर देख सकते हैं, जैसे ये वाटर टेबल का कवर है जो मेरे माउथ के नीचे लगता है, और इसी तरह से ये मेरा फ्रंट का कवर है जिसमें कंट्रोलर लगता है। तो इसी तरह से हम सारे पार्ट मेरे लेजर कटिंग से आते हैं, उनको स्टॉक में रखते हैं। तो दोस्तों ये हमारे कंडेंसर का स्टॉक है, हम 4 रो का हैवी कंडेंसर यूज़ करते हैं। अगर आप चाइनीज मशीन लेते हैं तो आपको उसमें 3 रो का कंडेंसर मिलेगा जिसकी कूलिंग कैपेसिटी लिमिटेड है और वो 35 डिग्री के बाद ही फेल होना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों अब हमने आपको बता दिया कि सॉफ्टी के मेन कंपोनेंट कैसे बनाए और असेंबल किए जाते हैं। तो अब हम आपको दूसरे कंपोनेंट्स के बारे में बताते हैं कि वो कैसे मैन्युफैक्चर होते हैं। जैसे कि ये गियर बॉक्स है जो सॉफ्टी के अंदर लगता है, जो लेफ्ट और राइट बीटर को घुमाता है, क्योंकि एक ही मोटर लगी होती है और एक ही मोटर से दोनों बीटर घुमाने पड़ते हैं, तो हमें इस गियर बक्से की आवश्यकता पड़ती है। तो जैसे यहाँ पे मोटर इस वाली शाफ्ट को घुमाती है, तो उसके बाद हमारे दोनों बीटर इस गियर बॉक्स की सहायता से घूमते हैं। तो हम आपको अब बताएंगे कि गियर बॉक्स और बाकी कंपोनेंट हम कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों जो हमने आपको एक छोटा सा गियर बक्सा बनाया, इसके अंदर लगभग 25 कंपोनेंट लगते हैं जो हम अपनी अलग अलग सहयोगी कंपनियों से बनवाते हैं। कोई इनकी डाई बनाता है, जैसे ये मेरे गियर बॉक्स का कवर है, इसमें हमने अपना लोगो भी लगवाया, तो ये इसकी डाई कोई और बनाता है। फिर जो उस मशीन को सांचे से निकालना, जो इस डाई से ये पार्ट बनाने वाली मशीन कहीं और से बन के आता है। इसके अंदर फिर बहुत सारे बेयरिंग्स लगते हैं और ऑयल सील लगती है, तो वो कंपोनेंट कोई और मैन्युफैक्चर करता है। इसके अंदर जो लुब्रिकेंट भरा जाता है, जिसको हम एक खास तरह का गियर ऑयल होता है, वो कोई और मैन्युफैक्चर करता है। तो और ये जो गिरारी है, इन गिरारी का मैन्युफैक्चरर कोई और है। इस गिरारी को बनाने के लिए जो हमारा मैन्युफैक्चरर है वो भी अपने सहयोगियों से सहयोग लेके इस गिरारी को बनाता है। तो दोस्तों ये दिखाने का हमारा पर्पज़ ये है कि ये जो सॉफ्टी आइसक्रीम मशीन जब हम इंडिया में बनाते हैं तो हम सिर्फ हिंदशेफ के स्टाफ को या हिंदशेफ के वर्कर को रोज़गार नहीं देते हैं, हम अपनी बहुत सारी सहयोगी कंपनियों को भी रोज़गार देते हैं। इसी तरह हम आपको आगे कुछ और कंपोनेंट भी दिखाने जा रहे हैं कि वो कैसे बनते हैं। तो दोस्तों जितने भी अपने प्लास्टिक के पार्ट होते हैं उनको इस मशीन में ढाला जाता है, इसको इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन बोलते हैं। इस मशीन के अंदर जो हमारे सांचा होता है या जो डाई होती है वो इस मशीन में यहाँ पे लगा दी जाती है, और उसके बाद इसमें पिघला हुआ प्लास्टिक इस होपर से हीटर के थ्रू यहाँ पे इंजेक्ट किया जाता है, और हमारे जितने भी प्लास्टिक के पार्ट हैं वो इस तरह से तैयार होते हैं। तो दोस्तों इन सारे कंपोनेंट की असेंबली के बाद, रेफ्रिजरेशन के बाद, हम इन सॉफ्टी मशीन को चला के भी देखते हैं। तो हम इसमें दोनों होपर में माल डालते हैं और मशीन को स्टार्ट कर देते हैं।
और इस मशीन को फिर हम 12 घंटे टेस्ट करते हैं कि कहीं कोई लीकेज तो नहीं है, कूलिंग इसकी प्रॉपर हो रही है कि नहीं हो रही है। इस तरह की टेस्टिंग भी मैन्युफैक्चरिंग का असेंशियल पार्ट होता है, ताकि हमें भी दिक्कत ना हो और हमारे कस्टमर को भी दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। हम इसी तरह की मशीनरी और फूड प्रोसेसिंग के बारे में अलग अलग तरह की जानकारी इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको देते रहेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको बताने की कोशिश करी कि एक इस मशीन को बनाने के लिए कितने सारे पुर्जों की रिक्वायरमेंट होती है, कितनी सारी अलग अलग कंपनियां मिलकर काम करती है, तब हम ये मशीन बना पाते हैं। तो दोस्तों, हम आपसे आशा करते हैं जब भी आप सॉफ्टी मशीन खरीदने जाते हैं या आपका कोई दोस्त मित्र सॉफ्टी मशीन खरीदने जाते हैं, तो आप हमारी सॉफ्टी मशीन को ज़रूर एक बार कंसिडर करेंगे। हमारे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।